आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में क्रिस्पी चिकन पॉप शॉट्स। उसके लिए मैंने ना ये एक ब्रेस्ट जो है चिकन लिया था और इसकी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। इसकी हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, जो कोर पीसेस में, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत अच्छी इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल की, जैसे आप बाहर से रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं पॉप शॉट, बच्चे बड़े शौक से, बच्चे बड़े सब ये बड़े शौक से खाते हैं। और बड़ी ये शॉर्ट सी रेसिपी है तो इसको हम बनाएंगे। तो ये मैंने इसी तरह सारा कट कर लेना है और इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन है जो साथ में, वो उसको दबा दें। तो ये मैंने इस तरह से ये सारे इसके बना लिए हैं चकोर पीसेस, ये देखें। और इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ आपको क्या करना है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पानी पहले बॉईल के लिए रख लिया था। इसमें मैंने ये हाफ स्पून जो है ना, सिर्फ ये मैंने सॉल्ट का डाला है, और हाफ स्पून हमने इसके अंदर जो है वो विनीगर का डालेंगे। एक एक टीस्पून मैंने विनीगर का डाला है, ठीक है। और हमने ये देखें, पानी जो है ना वो हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे है। इसमें हमने जो है ना ये चिकन के जो है ना अपने पीसीस डाल देने हैं, और हमने इसको पकाना नहीं है। बस अभी देखिएगा, बस एक हमने इसको बॉईल लेना है और मैंने इसको निकाल के इसको छन्नी में निकाल लेना है। पानी पहले से बॉईल है हमारा, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और सिरका डाला है और बस इसको डाला है। ये देखें इसका, फ्रेंड्स देखें इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है ना, ये वाइट हो गए हैं। बस हमने इतना ही डालना और निकालना, बस इसके मैं स्ट्रेन करने लगी। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है, ठीक है। इसको ठंडा कर लिया, इसको ड्राई कर लिया। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे, ठीक है। इसमें 2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, टू टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, व्हाइट विनीगर का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, थ्री टू फोर टीस्पून। चिली सॉस डालेंगे 2 टीस्पून। वन पिंच गरम मसाला, और इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सोया सॉस। बस इसको हमने ऐसे जस्ट मैरिनेट कर लिया है, बस अभी यही हमने इसमें मसाले लगाने हैं, उसको मैरिनेट करके हमने रखना है। अभी हम मैं इसका जो है ना इसका बैटर, जिसके अंदर हमने इसको डिप करके इसको क्रिस्पी करना है, वो बनाएंगे। और इसको ऐसे इसको मैरिनेट करके हमने इसको छोड़ देना, इतनी देर छोड़ना है बस, जितनी देर जो है ना हमारी नेक्स्ट जो है हमारा जो है ना वो प्रोसीजर नहीं मुकम्मल होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने लेना है 2 जो है ना टेबल स्पून मैदा, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून हमने इसमें लेना है कॉर्नफ्लोर, बल्कि 2 की बजाय हम ये बस 1.5 करेंगे, इसको इतना ही काफ़ी है कि मैंने 2 अलग अलग जगहों पे जो है ना वो बैटर बनाना है, ठीक है। तो हम उसी में से भी हाफ इधर कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा मैं इसको एक अलग बना लेती हूँ, ठीक है। इसमें हमने 1 चम्मच हमने ये मैदा लिया है,
और 1 ही चम्मच हमने लेना है इसमें कॉर्नफ्लोर, क्योंकि हमारा चिकन इतना ज़्यादा नहीं है, ये कोई होगा 250 ग्राम्स के करीब, क्योंकि मैंने एक ब्रेस्ट ली है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम 1 पिंच, ये एज आपकी ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप थोड़े से डाल लें, इसको ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ऊपर से उसका जो क्रंच होता है वो भी थोड़ा सा मज़े का बनता है, तो ये ऑप्शनल है, आपने ये चीज़ें मिक्स करनी है तो आप कर सकते हैं। 1 पिंच मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है दोनों के अंदर, ठीक है, और हमने इसी तरह 1 पिंच के करीब जो है ना वो हमने ये इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और 1 पिंच हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारा, ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इसको हम करेंगे कोटिंग के लिए। ठीक है, अगर हमारे ये थोड़ा हम इस कम लगा तो कोई मसला नहीं है, हम इसको और मज़ीद इसमें डाल के तो हम इसका ये ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, ये हम मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया, ये हम इसको ड्राई ही रखना है, और ये जो अगर दूसरे वाला है इसको हमने जो है ना इसके अंदर एग डालेंगे, एग बीच करके डालेंगे, बंद कर दो। इसमें हमने बैटर में जो है, इसमें हमने 1 स्पून जो था वो मैदा लिया, और 1 स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, और 1 पिंच ब्लैक पेपर डाली, और इसमें 1 पिंच मैंने रेड पेपर डाली, और इसको हमने इसका स्मूथ सा इस तरह ना एक अंडा डाला, और इसमें 1 जो टेबल स्पून है वो मैंने इसमें दूध डाल के इसको इस तरह इसका बैटर बना लिया। ये देखिए कितना अच्छा, किसने इतनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। ठीक है, ये हम इस तरह, मैंने इस तरह बनाया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंडा आप अलग रख लें और कॉर्नफ्लोर अलग रख लें और मैदा अलग रख लें, इसका बैटर अलग रख लें, उसमें डिप करें, उसमें डिप करें, फिर ऐसे कर लें। ठीक है, लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट में इस तरह इसको मिक्स कर लिया, ये हमारे पास ये बन गया। ये हमने पहले एग और कॉर्नफ्लोर और जो हमने ये बैटर बनाया था लिक्विड वाला, उसमें हमने इसको ऐसे डिप कर लेना है अच्छे तरीके से, इसमें से डिप करके हमने ये ड्राई वाले में डालना है, ड्राई वाले में डालेंगे तो ये इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने ये हमने लिया, इसको इस तरह मिक्स करना है हमने, और फिर हमने इसके अंदर डालना है। ये देखिए हमने इसकी ना सारी कोटिंग कर ली है, इसमें जो मैंने एक एग वाला बैटर बनाया था उसके अंदर डिप किया, फिर मैंने उसमें जो ड्राई वाला था उसके अंदर डिप किया, फिर दोबारा से मैंने एग वाले में लगाया, और फिर ड्राई के साथ मैंने इसको कोट किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर क्रम से अब हम फ्राई करते हैं। ये हमने ऑयल रख लिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लेना है, यानी कि इसको सही फुल वाला गर्म कर लेना है, लेकिन फिर जब हमने इसको फ्राई करना है तो इसको बहुत ज़्यादा जो है हमने वो फ्लेम नहीं देना। ये मैंने इसको पहले रख दिया था गर्म होने के लिए, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा ये हुआ है, अभी थोड़ी सी इसके अंदर कसर है, जब ये डालते ही थोड़ा सा हल्का हल्का सा होना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है हमारा इसकी जो हीट है वो ठीक है, थोड़ी सी हमारी हीट और बनेगी, फिर हम इसको सारे डालते हैं, और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हमने इसको फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको हीट कर दिया है, और हमने इसके अंदर ये अपने सारे पॉप शॉट्स जो हैं वो डाल लेने हैं, और इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम जो है ना हमने मीडियम सा फ्लेम है, क्योंकि ऑयल को मैंने पहले अच्छा सा वाला गर्म कर लिया था, और हमने इसके अंदर ये 1 बाय 1 करके डाल लिए, तो इसमें गुंजाइश कर देनी रख लेनी है ताकि ये जो है ना वो अच्छे से हो। मैंने इनको ना जो अभी इसको छेड़ा नहीं है, देखें माशाल्लाह से इतने ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे,
इनको हमने गोल्डन जो है ना ब्राउन होने तक जो है हमने इसको फ्राई करना है। देखें कितने अच्छे ये गोल्डन हो गए और बहुत अच्छे बहुत क्रिस्पी से, ये देखें इसका क्रिस्पीपन और इसकी क्रिस्पीनेस देखें कितनी अच्छी है ये। हमने इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके जो है ना वो इसको निकालना है, इसे पहले नहीं निकाला हमने, इसको गोल्डन करना है बिल्कुल अच्छे सा ये गोल्डन इसकी लुक आ जाए। बहुत मज़े के बहुत टेस्टी और बहुत ही ये यम्मी बनते हैं और बहुत बच्चे छोटे बड़े सब बहुत लाइक करते हैं और बहुत शौक से इसको खाते हैं। देखें कितनी अच्छी इसकी वो जो है ना, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। सारे निकाल लूँ, ये देखिए थी इसकी क्रिस्पीनेस। देखिए कितना अच्छा है। हाँ जी देखें फ्रेंड्स कितने अच्छे कितने मज़े के कितने क्रंची और ये कितने अंदर से देखें बिल्कुल वाइट हैं, देखें बिल्कुल वाइट हैं और अंदर से ये कितने मज़े के, मैं आपको एक खा के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े के अंदर से मैंने आपको खा के, बहुत ही मज़े का इसका यम्मी टेस्ट है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए कितने सॉफ्ट है, बहुत मज़े के बहुत यम्मी बने, आप ट्राई करें घर में। आप जो है ना बाज़ार के जो है ना बने हुए मशहूर जो होते हैं ना, मैं खा लूँ ज़रा चिकन पॉप शॉट जो है ना वो आप भूल जाएंगे और आपको इतने मज़े के लगेंगे, बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। तो अब इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।